नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 409 बूथों पर लगभग 2,90,000 वोटर अपने वोट का प्रयोग महागामा विधानसभा में करेंगे। आइए देखते हैं गंगा सागर रोड पे ही इस वक्त हम खड़े हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका और कहाँ घर हुआ? मोहम्मद इरफान हुआ, इसी रोड में घर बगल। इसी रोड में हुआ कुछ हकीकत बदलाव कुछ हुआ है कि नहीं महागामा विधानसभा को लेकर, और कैसी है विकास की रफ्तार? लोग कह रहे हैं कि भाई अब चुनाव का भी मौसम है, चुनाव में नेता जो है आपके घर तक आएंगे, आपको हाथ जोड़ेंगे, आपसे वोट मांगेंगे, समर्थन मांगेंगे, लेकिन वोटरों का जो मुद्दा है, सिंचाई हो, पानी हो, रोड हो, उन मुद्दों ने क्या जो है जमीनी हकीकत के रूप में अपना स्वरूप बदला है कि नहीं बदला है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या हकीकत है, कितना विकास हुआ है इधर? विकास थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, क्या कि रोड नाली देख लीजिए, रोड का हाल भी देख लीजिए, क्योंकि इसी तरह हर जगह इसी तरह का है। पानी का तो कोई सुविधा है ये नहीं है किसानों के ऊपर, पानी का तो मुद्दा बरकरार जैसे है वैसे पड़ा हुआ है, सिंचाई का कोई सुविधा नहीं है, और नेता क्या, नेता तो जीते और गए और क्या। ये गंगा सागर रोड जो है ये महागामा इधर टच हो रहा है, ये कहाँ जाता है, दूसरी साइड कहाँ, कौन कौन से गांव इससे जुड़े हुए हैं? ये बलिया है, तेतरिया है, केंदुआ है, सिमड़ा है, लाल बगीचा है, लाल बगीचा। और भी उधर गांव है बगल में है। हाँ, नीमा भी चला जाता है ये रोड, नीमा। हाँ, नीमा भी जाता है, अंदर भी गांव है बहुत उधर। हाँ, इधर मेन लाइन में, हाँ मेन लाइन में मिल गया बलिया, ललमटिया वाले लाइन में मिल जाए, लाइन में मिल जाता है। हाँ, गंगा सागर रोड में है इस वक्त और लगातार हम यहाँ से लोगों की, अच्छा एक बात बताइए, और भी लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ उनसे भी सवाल हम पूछेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेता में कौन सा गुण जो है वो पब्लिक ढूंढना चाहती है कि हमारे नेता जी ऐसे हों, क्योंकि एक होता है ना कि हमारे नेता ऐसे हों जो हमारे बीच आएँ, जो हमारे साथ काम करें, मिलके हमारी समस्याओं को सुने, तो नेता जी में कौन सा गुण जो है पब्लिक ढूंढना चाहती है? पब्लिक चाहती है उनसे मिलते रहे और उनका दुख दर्द सुनता रहे और जहाँ तक उनसे हो सके उनकी मदद करे, नेता यही पब्लिक चाहती है। और क्या पब्लिक चाहती है, उनकी दुख सुख में काम आए और उनसे जहाँ तक हो सके उनकी मदद करे और क्या, यही तो चाहती है। तो इस बार वोटिंग का जो मुद्दा होगा महागामा विधानसभा को लेकर पर्टिकुलर, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ऑलवेज सपोर्ट्स द पब्लिक कंसर्न एंड पब्लिक ओपिनियन, और वी आर इन महागामा राइट नाउ, गंगा सागर रोड है और यहां से लगातार जो है लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात बताइए सर, जो वोटिंग का मुद्दा रहेगा, मुख्य मुद्दा महागामा विधानसभा का, वो क्या रहेगा आपके हिसाब से? ये विकास का मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, विकास चाहती है पब्लिक और क्या, रोड हो, सिंचाई का सुविधा हो, और भी हम लोग अमान कायम रहे हर तरह से, यही चाहती है पब्लिक और क्या चाहती है। चलिए बाबा से पूछते, बाबा आइए इधर, तो आइए आगे आइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हारून बेटा। आपका घर कहाँ हुआ? घर तो यहाँ हुआ, कठिया हुआ। अच्छा, गांव में भी रहते हैं, तो गांव में ज़्यादा रहते हैं या यहाँ पे गंगा? नहीं, अभी तो ज़्यादा गाँव में रहते हैं, ज़्यादातर दौरा गाँव का ही करते हैं, मतलब उधर ही रहते हैं ज़्यादा। अच्छा एक बात है, ये विकास की गाड़ी जो है उधर कितनी पहुंची है? गंगा सागर रोड में इस वक्त हम खड़े हैं, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपका गांव में भी घर है, तो उधर कितना विकास हुआ है? उधर बहुत कम हुआ है। आपके गांव साइड कम हुआ है सर? उधर कम हुआ है। क्या मुद्दा, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, कुछ हुआ है। क्या क्या हुआ है? इंदिरा आवास दिया है, कहीं वो रोड भी आधा अधकचरा है, कहीं पड़ा हुआ वैसे है, यही सब मामला हो रहा है। तो इस बार जो चुनाव वोटिंग जो होगा, वोटिंग का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपके हिसाब से? ठीक ही रहेगा, क्या रहेगा, जब वोट देने जाएंगे ना। हाँ, मतदाता जो इधर आए, बबुआ तुमसे पूछे, मेरा बच्चा इधर आओ, तो क्या नाम हुआ तुम्हारा? इब्राहिम। इब्राहिम कहाँ गाँव हुआ? यही महागामा। तो उम्र कितनी है आपकी? 35 साल। 35 साल? हाँ, लगते नहीं हो लेकिन 35 साल के हैं, उम्र है। क्या खाते हो, आटा? नहीं, चावल खाते हैं। चावल सब? चावल दे रहा है। अच्छा ये बताइए, खटने वाले? अच्छा, खटने वाले, इसे शरीर मेंटेन करके रखो। अच्छा एक बात बताइए, महागामा विधानसभा में जो है जब आप लोग वोटिंग देने जाएंगे, तो क्या क्या मुद्दा रहेगा, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा यही रहेगा, सबका साथ सबके विकास, ठीक है, और जनता ये खोज रहा है, सबके साथ देना चाहिए, मुद्दा यही है, यही रहेगा। इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल अजीज। अब्दुल जी, अच्छा एक बात बताइए,
क्या मुद्दा रहेगा मागामा विधानसभा में जो वोटिंग होगा उसका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपके हिसाब से? क्या रहेगा, जो बढ़िया नेता है उसको दिया जाएगा और क्या। और तो काम काज वही है, देख रहे हैं छप्पर बल आज 3 साल से गिरा हुआ तार, को उठाने वाला को माँ बाप नहीं है, देख लीजिए सामने देख लीजिए। आज कम से कम वीडियो सीओ की 1000 मरता बोले, क्या बोलते हैं लोग, कहते अच्छा ठीक है आदमी मर जाएगा पानी पड़ जाएगा। दिखाइए जरा इसको, तो जनहित के मुद्दे हो या जनता का सरोकार, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ऑलवेज रेजेस द क्वेश्चंस। और यहाँ पे ये सरोकार ये है कि ये बिजली का तार है और ये नीचे जो है सटा हुआ है, तो ये जो है आपने जो ये करकट लगाया है ये क्या सरकारी जमीन में निकाल कर लगाया अपने घर में लगाया? अपना जगह में। कहाँ तक का जमीन आपका है? जमीन तो रोड है नहीं, थोड़ा सा रोड है उस रोड में है वो, हमारा अपना जमीन में जो भी है। अच्छा, तो क्या यहाँ पे इसका आवेदन बिजली विभाग को दिया आपने? 100 मरतब फोन किया है वीडियो को सीओ को सबको ओवरसियर को। क्या बोलते हैं वो लोग? करेंगे आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी नहीं आए देखने के लिए, पानी पड़ा करंट पूरा घर में आ जाता है। हम गुजारिश करेंगे ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के माध्यम से कि प्लीज ये जो समस्या दिख रही है बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, 2 पोल को अगर लंबा कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये समस्या का निवारण जो है हो जाएगा। और शायद बिजली विभाग को ये काम जो है बिल्कुल जल्द से जल्द ये काम कर ही देना चाहिए कि इस तार को जो कि किसी के घर में सट रहा है इसको ऊंचा करें, ताकि जो है लोगों की जान एक तरीके से बचाई जा सके। गंगा सागर रोड में ही खड़े हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? फिरोज आलम। अच्छा फिरोज जी, जनता जो इस बार वोटिंग करेगी किन किन मुद्दों पे वोट करने जाएगी? जो प्रतिनिधि विकास करेगा उसी को वोट करेगा। तो प्रतिनिधि अब तो आने शुरू भी हो गए होंगे क्योंकि चुनाव का मौसम है, चुनाव की बहार एक तरीके से, तो प्रतिनिधि तो गांव-गांव शहर-शहर घूम के अपने लिए समर्थन तो मांग ही रहे होंगे। लेकिन अभी यहां तक तो कोई नहीं आया है। अभी यहां तक कोई नहीं आया है, आएंगे तो फिर सोचा जाएगा। कौन सा गाँव हुआ आपका? महागामा गंगा सागर रोड। महागामा के गंगा सागर रोड में हैं इस वक्त और लगातार जो है मुद्दों की बात कर रहे हैं। क्या रहेगा महागामा का मुद्दा, विकास से आगे की गाड़ी और विकास की गति कितनी तेज है, पहुंची है कि नहीं पहुंची है, ये लगातार हम वोटरों के बीच हैं क्योंकि कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और लोकतंत्र का यही हिसाब किताब है। नाला का हालात देखिए यहाँ का, नाला यहाँ बन नहीं पाया क्या अब तक? बन गया है, कचरा से भर गया है, पानी घर में घुसता है। यहाँ कोई आज 15 साल से विधायक वर्तमान विधायक है लेकिन एक दिन भी नजर नहीं डाला है। अच्छा, तो ये नाला भरा तो एक पक्ष ये भी तो हो सकता है ना कि ये पब्लिक कहीं तो कचरा होता है उसमें। नाला बन रहा था तो हमने डीसी साहब को कहे थे इसमें ढक्कन अच्छा। दिया जाए तो कभी जहाँ जहाँ नाले मतलब बने आगे से पीछे से पूरा जहाँ से नाला शुरू हुआ है वहाँ से लेकर लास्ट तक, तो हमने कहा कि उसमें ढक्कन दिया जाए, बहुत गड्ढा नाला है, इसमें बच्चा गिरेंगे पशु गिरेंगे आदमी भी गिरेंगे, बोला बाद में हो जाएगा। लेकिन कितना बार कहे, कोई प्रतिनिधि सुनवाई लायक नहीं है, ना कोई अफसर, कोई आज दिन तक नहीं सुना कितना मवेशी गिरा कितना बच्चा गिरा, इसका कहने का कोई वर्णन नहीं है। और ऐसा गिर जाता मतलब पी खा गया था तो नाले में गिरता है, साइकिल चलाते गिर जाता है, वो हाथ से निकाल नहीं है, पी खा के भी आता है कोई तो वो नाले में गिर जाता है। यहाँ परसों स्कॉर्पियो गिर गया उसको निकाले हम लोग, बहुत आदमी को परेशानी होता है इस नाला से, मवेशी भी गिरा महीना दिन पहले उसको भी निकाले हम लोग। नाला का लेबो भी करता है झाड़ोने के लिए तो उसमें भी आप कचरे कम करके छोड़ के चला जाता है, ऊपर से कर दिया नीचे का वही है। मतलब यहाँ पे जो है नाला की भी समस्या जो है चुनावी मुद्दा हो सकता है। मच्छर का प्रकोप ज्यादा हो रहा है, डेंगू से पीड़ित है लोग, यानी हर घर में 2-4 मरीज है डेंगू का। जी हाँ, हर घर में। जी मेरे घर में 2, मेरे घर में 2। अब बताइए कि एक जांच में 1200, यहाँ वो भी सुविधा नहीं है सदर हॉस्पिटल में कि जो डेंगू का जांच करे, साइड से कराते हैं तो 1500 लेता है 1400 लेता है, वो भी गरीब कितना जो है सो एक दो भी मौतें भी हो गई है, ऐसा हालात बन गया है यहाँ का, कोई प्रतिनिधि सुनने लायक नहीं है। ये प्रतिनिधियों को भी सुनना चाहिए, तो यहाँ की यही समस्या जो है मुख्य समस्याएं यही नजर आ रही है। वोट करेंगे इस बार का मुद्दा मतलब फाइनली विकास का ही रहे। जी विकास, कितने आदमी का घर देखिए झोपड़पट्टी है, इंदिरा आवास नहीं हो रहा है, किसी का लाल कार्ड नहीं है,
बहुत तरह का समस्या है, वो जो प्रतिनिधि समस्या को हल करेगा उसी को हम वोट करेंगे। ठीक है, तो ये थी यहाँ की जनता जो बता रही है कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं खास करके।